दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन सैटरडे का और आज डेट है 25 मार्च 2023 और टाइम हो रहा है दोस्तों 8:29 और मैं पहुँच गया हूँ अभी मधुबे की रेड लाइट क्रॉस करी है और नाले वाले रास्ते से चल रहा हूँ और राजापुरी की तरफ जा रहा हूँ। और लास्ट स्टॉप मेरा हुआ था आपका इधर चाणक्यपुरी, चाणक्यपुरी से आ रहा हूँ खाली और राइड्स आ नहीं रही थी और राइड्स बहुत ही मतलब आजकल मतलब पता नहीं क्या दिक्कत क्या हो रही है कि राइड्स मिल कम रही है, मतलब राइड से आना बहुत कम हो गया है। तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि राइड्स कम हो रही है और मतलब जिस हिसाब से पहले आती थी ना वो बिल्कुल भी नहीं आ रही राइड्स दोस्तों। तो रीज़न तो एक देखिए, रीज़न तो ये है कि स्कूलों की छुट्टियाँ पड़ी हुई है, इसकी वजह से भी हो सकता है। बाकी सैटरडे का दिन है तो सैटरडे का दिन में क्या है कि देखिए सुबह सुबह काम नहीं होता, बट 12 बजे के बाद सब लोग निकलते हैं अपना मार्केट वार्केट में निकलते हैं, घूमने निकलते हैं, तो 12 बजे के बाद काम स्टार्ट होता है। बट अभी आजकल क्या देखने को मिल रहा है, काम हो ही नहीं रहा बिल्कुल भी। तो काम क्यों नहीं हो रहा, रीज़न क्या है समझ नहीं आ रहा। देखिए मुझे जहाँ तक लग रहा है रीज़न दो टाइप के रीज़न है जिसमें हमें मतलब जो हमें काम में मतलब दिक्कत हो रही है काम में आने में। एक तो पहला इन ड्राइवर ऐप है, इन ड्राइवर जब से आई है तब से इसने रेट पूरे ख़राब कर दिए और उसके रेट ख़राब के चक्कर में तो आपको पता है हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है और कुछ ड्राइवर भाइयों ने रेट इतने ज़्यादा ख़राब करवा दिए। और मैं उनको पहले भी बोलता था कि दोस्तों आने वाले टाइम में ये इन ड्राइवर मतलब कमीशन भी खाएगी और कमीशन के साथ साथ आपको उसी उस पर ले आएगी मुकाम पर और रेट बिगाड़ने में आप लोग ही सहमति दोगे। तो वही बात हुई, रेट बिगड़े और अब ऐसे बिगड़े हैं कि अब ओला उबर ने जब गर्मी का टाइम है, जब मतलब गर्मी के टाइम में जो एसी चलने का टाइम है और रेट बढ़वाने का हमारा वो होता है कि हमें और बढ़ के रेट मिले, अब क्या है कि अब कंडीशन ऐसे आ गई है कि रेट मिल रहे हैं घटकर, तो घट के रेट मिल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं एयरपोर्ट गया था, मतलब गुड़गांव गया था, गुड़गांव से मेरे पास एयरपोर्ट की बुकिंग आ गई थी टर्मिनल 3 की। तो टर्मिनल 3 मैंने छोड़ा, नीचे खड़ी हुई थी 250 गाड़ियाँ, उसके बावजूद मेरे को ऊपर से बुकिंग मिल गई फरीदाबाद की। तो मैंने सोचा यार फरीदाबाद चलो, स्टेट टैक्स तो एक देता है, एक मारेगा। मैंने कहा चलो लंबी ट्रिप है तो या तो गालवाड़ी से कहीं से भी, 1.5 घंटे का रास्ता बता रहा था, 1 घंटा 37 मिनट का। तो आप मान के चलिए दोस्तों 1 घंटा 37 मिनट की ट्रिप मैंने उठाई है, 41 किलोमीटर की ट्रिप थी। 41 किलोमीटर की ट्रिप में आप खुद जान के हैरान हो गए, वो बंदी ने बुकिंग पहले कर दी और उसका ना ही एयरपोर्ट से लगेज आया था, ठीक है, कह रही मैं आ रही हूँ ऊबर की पार्किंग में अभी बस, अगर चलो कह रही 5-7 मिनट लगे, 5-7 मिनट की जगह दोस्तों 20 मिनट से ऊपर मैंने वेट किया, उसका वेटिंग चार्ज लगा 37 रुपये वेटिंग चार्ज के पैसे मिले, ठीक है। और 41 किलोमीटर में गाड़ी में बैठती एसी जी होता है, आपको पता है एयरपोर्ट की जो राइड्स होती है उनको तो एसी पता नहीं क्या बंदे सोच के आते हैं कि भाई बिना एसी के तो चल ही नहीं सकते, समझ रहे हो, और रेट हमें मिलता नहीं है। तो एसी चलवाया, एसी चलाया, एसी चला के फिर आपको पता है जाम कितने लगा हुआ था, गुड़गांव साइड जा रहा हूँ तो महिपालपुर पर द्वारका एक्सप्रेस साली वाले साइड पर पूरा जाम था, ठीक है। रास्ता सिमिलर बताया था, चाहे आश्रम से इधर से चिराग दिल्ली होते हुए जाओ या फिर उधर से जाओ, तो मैंने इधर से ले लिया, मेरे पास CNG भी कम थी, मैंने कहा चलो यार इधर से ले लेता हूँ। और इधर द्वारका वाली साइड पे क्या है, एयरपोर्ट की जो महिपालपुर के लिए राइट मुड़ते हैं वहीं से पूरा खचाखच जाम था, तो मैंने सोचा यार यहाँ से जाम बहुत तगड़ा मिलेगा तो वहीं से ले लेता हूँ। तो उनको ये लगा लो दोस्तों 41 किलोमीटर की राइड में कम से कम 1 घंटा 40 मिनट या 30 मिनट मेरे 1.5 घंटे खराब हुए। और उनको छोड़ा, छोड़ने के बाद जो बिल फेयर बना, फेयर आप खुद जान के हैरान हो गए यार क्या फेयर बन रहा है। तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए, मात्र मेरे को 471 रुपये मिले हैं, सॉरी 465 रुपये मिले थे, ये 471 भी तब हुए हैं जब मैंने इसमें कंप्लेंट मारी है, तो 6 रुपये बढ़ के आए मेरे को। तो इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन आप देखोगे ना, देखिए आप खुद ही समझ नहीं पाओगे कि फेयर किस हिसाब से इसने बनाया है। फेयर 65 रुपये एक दिखा रहा है, फेयर 400 कुछ एक दिखा रहा है, तो कौन सा फेयर इसमें माने, ठीक है। और कमीशन 381 रुपये इन्होंने कमीशन उड़ा दी, कमीशन में जिसमें से 200 रुपये तो इसने एयरपोर्ट की पार्किंग ली होगी, 181 रुपये वैसे नहीं आए। तो 465 रुपये 40 किलोमीटर में 1.5 घंटे में और वो भी एसी चलाकर, तो इसमें मैंने क्या बचाया हुआ दोस्तों, एसी चलाकर 1.5 घंटे में मैंने क्या बचाया हुआ, 200-250 रुपये तक की तो CNG इसमें चली गई होगी आराम से,
250 की चली गई होगी, 300 की चली गई होगी, चली तो गई होगी, 2 पॉइंट तो आराम से मेरे उड़ गए। तो ये हाल अभी इस टाइम हो रहा है, ठीक है। रेट इतने खराब कंडीशन में मिल रहे हैं और उसका रीजन यही है एंड ड्राइव की जो भाइयों ने रेट खराब करवाए हैं ना, और अभी भी नहीं मान रहे उस चीज में। मैं दोस्तों कई बार बोल चुका हूँ कि दोस्तों राइड अगर लेते हो तो अच्छे फेयर की लो तो बेटर है, नहीं अगर खराब फेयर की लोगे आप कमीशन से कट के भी एकदम खराब ऑटो वाले रेट पे क्यों लेना चाह रहे हो यार। ऑटो वाले रेट अब देखो वही चीज़ हो गया, आप 10% स्टार्ट हो गए, 10 से 15 होंगे, 15 से 20 होंगे। अब आप सोचो जिस रेट पे आप ले रहे हो, ठीक है, ओला ऊबर की कमीशन कटने के बाद रेट आप ले रहे हो, उस रेट पे आपको 20-20% और देना पड़ेगा तो कहाँ रेट जाके गिरेगा। अब ओला ऊबर को थोड़ी ना अपनी जेब से कुछ देना है, उसको तो 30-35% कमीशन उड़ाना है ड्राइवर के खातों में से ही तो जा रहा है। अभी इसने रेट जो ये लगा लीजिए, अभी हमारे पास 12-13 रुपये किलोमीटर पड़ रही थी, अब हमारे पास 9 से 8 रुपये किलोमीटर आ रही है फेयर, तो कहाँ से दे रहा है कस्टमर को? तो डिस्काउंट दे रहा है हमारे फेयर से, जो चीज़ हमें एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए थी वो कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा है। तो इसमें वही चीज़ है कि सारी की सारी वो ड्राइवर के ऊपर ही आ जाती है। ड्राइवर का जो अर्निंग थी उस पर कम से कम 600 से 700 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है, और आप कुछ दिन से देख रहे होंगे मेरी भी अर्निंग कम हो रही है। मेरी भी अर्निंग हमेशा मतलब 2200-2500 के ऊपर रहती थी, तो जो कि अब घट के 1500 तक पे आ रही है डेली, 1500-1600 में जिसमें कट पीट के मेरे पास 700-800 रुपये 1000 तक बचा पा रहा हूँ, जबकि मैं डेली बचा रहा था 1500-1700-1800 ऐसे बच रहे थे मेरे। तो अब ये कंडीशन आ गए, तो पहली कंडीशन दोस्तों यही है, इन ड्राइवर ऐप है जिसमें दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से रेट डाउन है, और दूसरी जो बुकिंग्स नहीं आ रही है उसका रीज़न मैं बताया था दोस्तों। दूसरी बुकिंग है ऊबर की जो फ्लिट गाड़ियाँ हैं, जो एवरेज फ्लिट करके गाड़ियाँ चल रही हैं, धड़ल्ले से चल रही है, और उन पे बुकिंग्स ज़्यादा प्रेफरेंस हो रही है ऊबर की तरफ से। तो अब ऊबर ने कर दी सेटिंग, और सेटिंग ऐसी कर दी कि उन गाड़ियों को फर्स्ट प्रेफरेंस आ रही है और हमारी गाड़ियों पे आ रही है बाद में प्रेफरेंस। जो चुनी हुई जो अच्छी अच्छी बुकिंग्स होती है, जो लंबी लंबी ट्रिप्स होती है, वो जा रही है उन गाड़ियों पे, और हमारे पास आ रही है बस छोटी मोटी, जैसे 5-5 किलोमीटर में बस हम घूमते रहें और 5 किलोमीटर में का पिकअप आता है, 2 किलोमीटर का सॉरी 5 किलोमीटर का ड्रॉप आता है, 2 किलोमीटर का पिकअप होता है, 15 मिनट जाने में पिकअप में लग गए, 2 किलोमीटर में गए, 5-7 मिनट लगे, 5 मिनट में बंदा आ रहा है, 5-6 मिनट वो हो गए, 15 मिनट तो वैसे ही खराब हो गए, ठीक है, फिर 20-25 मिनट में अलग छोड़ो। तो एक और उस ट्रिप में 5 किलोमीटर क्या फेयर मिल रहा है, 65-70 रुपये, वही चीज़ आ गई है जो कोविड के दौरान इन्होंने कर दिया था रेट बहुत ज़्यादा डाउन। जब हम लोगों ने AC चलाना बंद किया था तब जाके इन्होंने रेट सुधारे थे, CNG के प्राइस बढ़े थे। अब क्या है कि अब CNG के प्राइस तो उसी पे टिक गए हैं, बट रेट फिर दोबारा से कम कर दिए। तो अब इसको ठीक कैसे करें, बिगड़वाए हैं हमने तो हम ही ठीक करवाएंगे। तो दोस्तों वही चीज़ है, अब दोबारा से मेरे ख्याल से तो दोबारा से अब भाइयों को एक होना पड़ेगा और करना पड़ेगा अपना वही चीज़, AC चलाना बंद करो तभी जाके आपको रेट मिलेगा, वरना दोस्तों इस रेट में तो ना आपका कुछ बचा के ले जा पाओगे ना कुछ है। और अभी जो नए भाई आ रहे हैं वो अलग बेचारे फंसेंगे। तो इसीलिए मैं दोस्तों हमेशा, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैं हमेशा किसी भी भाई को गलत गाइड नहीं करता, इसलिए बोलता था कि भैया इस लाइन में आने से पहले 10 बार सोचो समझो, एक्सपीरियंस लो, पूछ लो काम कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा, और ज़्यादा ही अगर शौक है तो किसी की गाड़ी लेकर चला लो। इससे क्या होगा, आपके लाखों रुपए डूबने से बचेंगे कि आप किसी के मतलब आपके पैसे ना फंस जाए, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इस लाइन में काम एक्चुअल में है कितना। तो दोस्तों हर किसी को दूसरे का काम बहुत अच्छा लगता है, जब वो खुद इस लाइन में आता है तभी पता चलता है आटे दल का भाव। तो सॉरी मेरी बातें थोड़ी सी गर्मी लगती है पर बुरी भी लगती है कुछ भाइयों को, तो इसलिए बट मैं जो बोलता हूँ क्लियर कट बात करता हूँ। तो दोस्तों ये तो रही बात आज के काम वाम की, मतलब कितना काम बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, तो मैंने आज फालतू की बातें कुछ नहीं करी, मैं कहाँ गया कहाँ नहीं गया, बट हाँ सुबह निकला था करीब आज 8:45 निकला था, और अभी टाइम जो हो रहा है दोस्तों तकरीबन 8:45 हो चुके हैं। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ घर के बाहर, तो आज का मैं काम आपको दिखा देता हूँ, काम भी कोई खास नहीं हुआ, जो भी हुआ है आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ 1651 रुपये का काम है, जिसमें एक स्टेट टैक्स मेरा कल का ऐड हो गया, इसमें 1551 का है, पर आप 1651 ही समझो, स्टेट टैक्स आज वाला जो है आज का भी एक हरियाणा का मिलना है,
तो 1651 प्लस एक एमसीडी 1751 का काम है। 1751 में जो मैंने सीएनजी डलवाई थी वो कल डलवाई थी 330 की, और आज मैंने हरियाणा में डलवाई थी 200 रुपए की, और मेरे पास बिल्कुल रेड पे हो गई थी। फरीदाबाद जब गया था तो फरीदाबाद से भी दोस्तों ट्रिप्स नहीं मिली, फरीदाबाद से आया हूँ खाली आया हूँ सरिता विहार तक। सरिता विहार पे भी एक घंटा बैठा, उसके बाद जाके अपोलो हॉस्पिटल से मिली थी लाजपत नगर, लाजपत नगर से चाणक्यपुरी, चाणक्यपुरी से सीधा रहा हूँ खाली। तो अभी स्टिल ये हाल हो गया है, बुकिंग्स का बहुत ज़्यादा कम बुकिंग आ रही है। तो दोस्तों आज का काम इतना है, 1751 का है, जिसमें से 200 रुपये टोल को हटा देते हैं। 1551 में 500 रुपये की पूरी सीएनजी लग चुकी है, 500 की सीएनजी लग गई है, और 200 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट ये सब निकाल देते हैं, तो 1000 रुपये में से 200 और निकाल देंगे, तो आज की नेट इनकम आ रही है 800 रुपये। तो ये 800 मेरी इनकम है, और आप देख ही सकते हैं 3-4 दिन से काम बिल्कुल ही हो रहा है डाउन, और डाउन होने का रीज़न मैंने आपको फैक्टर रख दिए हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जितना वीडियो को शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे रैंक करेगी, उन भाइयों के पास पहुँचेगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कितना काम हो रहा है, क्या ओला उबर में गाड़ी लेके डालने का फ़ायदा है नहीं है, सारी की सारी मैंने वीडियो डाली हुई है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।